हाय दोस्तों, मैं शहजाद अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास ईपिक नंबर है तो आप अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पीडीएफ में। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस सर्च बॉक्स में टाइप करना है ECI। टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ECI वोटर इन्फॉर्मेशन का, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोज, सर्च बाय ईपिक नंबर, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी यहाँ पे एक ईपिक नंबर टाइप करना है। जैसे मैं एक टाइप कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे राज्य सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा बिहार है तो मैं बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद खोजे पर क्लिक कर देना है। ये देखिए अभी कैप्चा रंग दिखा रहा है, यहाँ पे ये रंग कैप्चा है। फिर से टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद फिर खोजे पर क्लिक कर देंगे। खोजे पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी आपका ये आ जाएगा, वोटर आइडेंटिटी कार्ड अभी PDF में। उसके बाद मतदाता सूचना प्रिंट करें पर क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका जो है वोटर आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे थ्री डॉट पे, उसके बाद डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद देखिएगा एक नंबर में आपको ये दिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए ये आपका PDF में डाउनलोड हो चुका है। इस तरह अपना कोई भी ईपिक नंबर हो तो कोई भी आप ना वोटर आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए।